तो बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। राहुल गांधी की बिहार में आज रैली। आपको बता दें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज पहली साझा रैली करेंगे। नवादा के हिसुआ में रैली को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि आज साझा रैली करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। महागठबंधन की पहली प्रचार रैली है आज है जहां राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। इसके साथ रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। पीएम मोदी की बिहार में चुनाव एंट्री हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। बिहार में तीन चुनावी रैलियों को आज पीएम संबोधित करेंगे। सासाराम, गया और भागलपुर में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां प्रधानमंत्री की एंट्री अब बिहार विधानसभा चुनाव में हो चुकी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, आज काफी अहम और बड़ा दिन रहने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव के उससे अगर हम नजरिए से देखें, क्योंकि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करने वाले हैं प्रचार प्रसार के, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं महागठबंधन की तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज साझा रैली करने वाले हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? जी आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बिहार चुनाव पूरे चरम पर पहुंच जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना बिहार चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। तीन रैलियां वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी दो रैलियां करने जा रहे हैं, और उसके अलावा मायावती भी आज से बिहार में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो वो आज तीन रैलियां करेंगे, सासाराम, गया और भागलपुर। सासाराम में वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, 10:30 बजे उनकी रैली होनी है, जहां वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रैली को संबोधित करेंगे। सासाराम के डेहरी में ये रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है जी। उसके अलावा राहुल गांधी भी आज तेजस्वी यादव के साथ रैली को संबोधित करेंगे, यानी कि कांग्रेस और भाजपा एक साथ चुनाव प्रचार शुरू कर देगी बिहार में। राहुल गांधी नवादा जिले के हिसुआ में आज तेजस्वी यादव के साथ साझा रैली करने जा रहे हैं जी। आयुष, प्रशांत, क्या कुछ और जानकारी है? क्योंकि जिस प्रकार से आज से शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, और खुद जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार उनके साथ रहने वाले हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है दोनों रैलियों को देखते हुए? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली मैंने जैसा आपको बताया अभी 10:30 बजे शुरू हो जाएगी सासाराम में। उसके अलावा राहुल गांधी भी आज रैली को संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी जहां आ रहे हैं उससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं एनडीए के विकास के एजेंडे पे बात करूंगा, बिहार के लोगों के बीच आज मैं जा रहा हूं। और दोनों ही पक्ष अपने अपने बातों को आज रखेंगे। बिहार में दोनों ही सीएम कैंडिडेट के साथ उतर रहे हैं आज मैदान में जी। चलिए, लगातार खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक अहम और बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से एनडीए के लिए प्रचार प्रसार में जुटने वाले हैं। पहला संबोधन, आज पहली रैली सासाराम से शुरुआत वो करेंगे, इसके बाद गया और भागलपुर में भी रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी आज चुनावी प्रचार में उतरने वाले हैं। महागठबंधन के लिए राहुल गांधी आज वोट जुटाएंगे।